हाय एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो ये मेरे लाइफ का पहला मल्टीप्लेयर वीडियो है जो मैं RC22 में खेल रहा हूँ। तो भाई पहली मल्टीप्लेयर वीडियो, तो जाहिर सी बात है शॉट्स भी कुछ ऐसे ही लगेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा किसी डिले के साथ। तो यहाँ अपोनेंट के साथ टॉस होता है मेरा, और टॉस अपोनेंट जीत जाता है, और भाई पता नहीं कि वो बॉलिंग लेता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे क्या होता है। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सारे बने रहना, और पहली वीडियो है तो भाई सपोर्ट करना। एम करते हैं 100 लाइक का। तो मयंक अग्रवाल और लेविस के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। तो वो शुरुआत कुछ खास नहीं रहती है, आप जैसे जैसे मैच देखोगे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ लगती है, तो मैं पुल करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ, मिस हो जाता है। फिर अगली गेंद सेम लेंथ पे पकड़ के रखता है, सेम लेंथ पे मैं हिट करने जाता हूँ पुल करने की कोशिश, लेकिन फिर मैं मिस कर देता हूँ। फिर तीसरी गेंद पे मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूँ, अब मैं सोचता हूँ थोड़ा अलग ट्राई करते हैं। तो मैं शॉर्ट ऑफ लेंथ को मैं स्लॉग स्विप मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर ये क्या सीन होता है, ये भी नया नया ही होता है, और ये भाई चूक जाता है, कैच छूट जाता है इसका, और इस पर मैं 3 रन ले लेता हूँ। भाई वाइस ओवर में कोई दिक्कत होना तो थोड़ा माफ़ करना, पहली वीडियो है तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा। फिर अगला आता है चौथी गेंद लेकर के, तो मेरा लेफ्ट हैंडर होता है, मयंक अग्रवाल नॉन स्ट्राइक पे चला गया होता है, तो इससे मैं पुल करता हूँ और अच्छा कनेक्शन होता है, और भाई 4 रन मिल जाते हैं। तो अभी तक तो अपने 4 गेंदों में अपन ने 7 रन बना चुके हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। मैच बहुत ही अच्छा जाता है। उसके बाद से फिर इस गेंदबाज की एक खासियत होती है, एक ही लेंथ पकड़ के रखता है, और फिर यहाँ से फिर मैं लेग साइड की तरफ 4 रन एक और चौका निकाल लेता हूँ। अभी अपने पास 5 गेंदों में 11 रन आ चुके होते हैं, एक डिसेंट स्कोर चल रहा होता है। फिर छठवीं गेंद ना मैं कुछ नया ट्राई करने जाता हूँ, यहाँ से मैं सामने की तरफ मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन मिस कर जाता है, तो इस तरह एक ओवर में केवल 11 रन बन पाता है। अब ये नया गेंदबाज या अफरीदी आता है, देखते हैं, ये भी स्पिनर ही है, ये भी सेम लेंथ एकदम, ये गेंदबाज ने ना सेम लेंथ पकड़ के रखता है। मैं गोल्ड शॉट ट्राई करता हूँ लेकिन कैच उठ जाता है, और ये भाई इस बार कैच पकड़ लेता है, और इस तरह से मेरा मयंक अग्रवाल भी चला जाता है। अभी नेक्स्ट बैट्समैन को मैं सूर्य कुमार यादव को लेकर आता हूँ, टिम डेविड को छोड़ के। मैं सोचता हूँ सूर्य कुमार यादव थोड़ा हिट करेगा, टिम डेविड को मैं लास्ट के लिए रखना चाहता हूँ। तो सूर्य कुमार यादव फिर सेम लेंथ पे गेंद होती है, और फिर सूर्य कुमार यादव से मैं पुल करवाता हूँ, और ये 4 रन हो जाता है। अभी इस गेंदबाज का एक खासियत है ना कि ये सेम लेंथ पकड़ के रखता है, इसको भी ज़्यादा आइडिया नहीं है ऐसा लगता है मल्टीप्लेयर खेलने का, और मेरे को तो है ही नहीं, मैं तो पहला खेल रहा हूँ। तो फिर ये सेम लेंथ पे रखता है, और फिर यहाँ से फिर मैं सामने की तरफ मारने जाता हूँ, लेकिन शायद ये गुगली होती है, ज़्यादा बाउंस कर जाती है, और फिर ये सेम लेंथ लेग स्पिन रखता है, थोड़ी सी रडार में आती है, मैं हिट करता हूँ, 6 रन निकल जाता है। तो अभी तो ये 2 गेंदों में मैंने 6 रन ही बनाए हैं 3 गेंदों में इधर। तो अभी अगला गेंद इसका देखते हैं कैसा होता है। फिर ये सेम लेंथ पे फिर वही ये लेग स्पिन कराता है, और फिर मैं सामने की तरफ मारने की कोशिश में यहाँ मैं विकेट गवा देता हूँ गोल्ड शॉट खेल के। मैं पूरे मैच में ना ये एरिया ज़्यादा टारगेट करने का ट्राई किया हूँ इस पूरे मैचेज में, लेकिन ये मैच ना बहुत इंटरेस्टिंग जाता है, जब सेकेंड इनिंग चलेगी ना तो बहुत इंटरेस्टिंग जाएगी। अब मैं टिम डेविड को लेकर आता हूँ, मैं कहता हूँ लाओ यार अभी मारो, ख़त्म करो जितने रन बनते हैं। ये फिर सेम लेंथ, और फिर मैं सेम शॉट खेलने का ट्राई करता हूँ, और फिर सेम जगह मैं कैच आउट हो जाता हूँ। मैं 2 गेंदों में 2 विकेट दे दिया होता हूँ इसमें, खैर रने भी ठीक ठाक आ गई होती है, 10 रन आ गई होती है इसमें भी, तो 21 रन अपने टोटल बन चुके हैं 2 ओवर में। अभी ये तेज़ गेंदबाज लेके आता है केमर रोच को, और मैं भाई मतलब ब्रेविस को लेके आया होता हूँ, नहीं सॉरी ग्लेन मैक्सवेल को लेके आया होता हूँ। अभी ये फिर आता है, मैं लेग साइड पे फिर हिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मेरा गेट डॉट कर जाता है। मैं इसमें डॉट बहुत ज़्यादा खाता हूँ क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं अपने शॉट्स पे। फिर ये सेम लेंथ की गेंद आती है, फिर मैं वही गोल्ड शॉट ट्राई करता हूँ, और मैं जानबूझ के इस शॉट को ना थोड़ा लेट खेला होता हूँ, मैं कहता हूँ लेट खेलो देखो क्या होता है, और ये टाइम हो जाता है और 4 रन निकल जाता है। टाइम तो नहीं, बहुत लेट हुआ होता है इसलिए 4 रन जाता है। फिर सेम लेंथ पे वो गेंदें डालता है, और फिर मैं लेग साइड में मारने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ ऑलरेडी उसने फील्डर अब लगा रखे हैं तो इसलिए 1 रन ही मिलेगा, और ये भाई ओवर थ्रो कर देता है जिसकी वजह से मैं 2रा रन भग जाता हूँ। अभी आपको डायरेक्ट हिट का कितना फ़ायदा होगा ना, अभी आपको मेरी साइड से दिखेगा, जब मैं एक साइड से एक ऐसा मूवमेंट आएगा कि भाई विकेट गिरेगा, उस मूवमेंट पे आप ध्यान देना क्योंकि वो मूवमेंट ना पूरा मैच पलट देगा। अभी ये थोड़ा आगे डालने की कोशिश करता है, मैं फिर स्लॉग स्वीप करने की कोशिश करता हूँ, पर भाई फील्डर ऑलरेडी वहाँ होता है, मैं टाइम कर नहीं पाता हूँ अच्छे से क्योंकि ये पहला गेम है। तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि हाँ मैं अच्छा टाइम कर पाऊँ, पर मैं अच्छा टाइम करने में भाई नाकाम रहता हूँ क्योंकि मैं अभी नूब हूँ इस गेम में। फिर ये गेंद मिल जाती है एकदम अंदर की तरफ, फिर मैं पता नहीं लेग साइड पर क्यों नहीं मारा रहता हूँ, मैं एकदम मतलब भाई इधर ही पीछे खेलने चला जाता हूँ। खैर 1 रन मिलता है इस पर। अगली गेंद देखते हैं ये कहाँ डालता है, और फिर मेरे को लगता है ना ये सेम लेंथ ही पकड़ के रखता है, हाँ ये सेम लेंथ ही पकड़ के रखा है, और स्लोअर वन यूज किया, और फिर मैं हिट करने के गोल्ड शॉट की चांस में फिर यहाँ पे ये कैच छोड़ देता है, और भाई इसका फील्डर देखो पता नहीं कौन से नशे में है। तब तक तो मैं दौड़ के भाई 2 रन ले भी लेता हूँ।
हालांकि मैं रनिंग थोड़ा लेट की स्टार्ट किया होता हूँ इसलिए दो रन नहीं मिलता है। खैर अगला गेंदबाज इसका आता है, भुवनेश्वर कुमार को ये लेके आता है और भाई ये 3 ओवर में मेरे 31 रन बन चुके हैं। फिर सेम लेंथ आता है, फिर मैं हिट करने की कोशिश करता हूँ, फिर वहाँ फील्डर होता है और 1 रन ही मिलता है। तो ऐसे करके मैच आगे जा रहा होता है, कुछ खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा होता है क्योंकि छक्के चौके लगते नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ चलो 40-50 रन कम से कम अपन बना लिया जाए क्योंकि ज़्यादा कुछ हिट कर नहीं पाते हैं। बाउंसर, ये बाउंसर उतना होता नहीं है जितना मैं उम्मीद करता हूँ, थोड़ा नीचे रह जाता है ये। फिर उस लेंथ पे गेंद करता है और फिर मैं हिट करने की कोशिश करता हूँ सामने की तरफ, यहाँ फिर कैच आउट हो जाता हूँ। मतलब मेरे को अभी शॉट प्रीसेट का ना इतना आइडिया लगा नहीं है कि हाँ मैं कौन सा प्रीसेट यूज करूँ जो बेहतर यूज करूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा मेरे को एडवाइस भी देना हाँ कि कैसे मैं बेहतर कर सकता हूँ ये गेम अपना। खैर अगला फिर से भुवनेश्वर कुमार आता है, फिर वही जगह मैं खेलने की कोशिश करता हूँ और इस बार जानबूझ के फिर से मैं थोड़ा लेट खेलने का कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होता है, बल्ले से मिडल हो जाता है तो 4 रन आराम से मेरे को मिल जाते हैं। और ब्रेविस बहुत अच्छा खेला होता है इस मैच में। फिर अगला गेंद सेम लेंथ पे और फिर मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन ये भाई मुंह पे लग जाता है और मेरे को बाद में रियलाइज़ होता है ना कि हाँ मैंने कवर के लिए एक शॉट लगा रखा है कि कवर पे मैं ऐसे गेंद पे मैं शॉट मार सकता हूँ, क्योंकि मैं हार्ड कोर पे खेलता था ना तो ज़्यादा दिक्कत देता था, तो ये शॉट मैं कवर का वहीं ट्राई करता हूँ। लेकिन मेरे को जब तक रियलाइज़ होता है ना तब तक भाई 4 ओवर मैचेस के निकल चुके होते हैं, इसलिए मेरे को भाई ज़्यादा मैं रन बना ही नहीं पाता। खैर अब मेरे को आइडिया लग जाता है कि हाँ वहाँ मैंने रेडिकल के लिए एक शॉट खोल रखा है कवर पे, कवर पे मैं उस लेंथ की गेंद को ना मैं मार सकता हूँ वहाँ पे। खैर अगला गेंदबाज ये लियाम प्लंकेट को लेके आता है और देखते हैं लियाम प्लंकेट भाई कैसा गेंदबाजी करता है। लियाम प्लंकेट का भी सेम सीन होता है, सेम लेंथ सेम गेंदे, मैं हिट करने की कोशिश करता हूँ, एज लगता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 2 रन ले लूँ और मैं 2 रन ले भी लेता हूँ आराम से। ये ओवर आप ध्यान से देखना, यहाँ एक ऐसा इंसिडेंस होता है ना उसके बाद लास्ट में ना इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे, फिर वो ऑफ साइड में ज़्यादा ही ऑफ में गेंदे रखता है। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, फुल लेंथ की गेंद होती है ज़्यादा ही ऑफ में लेकिन कनेक्ट नहीं होता है। फिर अगला गेंद भी ये सेम लेंथ पे रखने की कोशिश करता है, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और शॉट स्वीप करने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाई नहीं आता है, 1 रन ही आता है। ये भी गोल्ड शॉट ही है जो मैं ट्राई करता हूँ लेकिन मैं ज़्यादा भी अच्छे से खेल नहीं पा रहा हूँ। ये मल्टीप्लेयर का मेरे को ज़्यादा आइडिया था नहीं, मैं पहला ऐसे ही ट्राई कर रहा था कि कैसा होता है। और फिर ये सेम लेंथ की गेंदें डालता है शॉर्ट ऑफ लेंथ, फिर मैं हिट करने की कोशिश करता हूँ, हिट नहीं होता है क्योंकि ये ज़्यादा ही बाउंस हो जाता है। अभी मेरे को समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। फिर सेम लेंथ शॉर्ट ऑफ लेंथ और फिर मैं हिट करने की कोशिश करता हूँ भाई, मतलब मैं पुल करने जाता हूँ वो भी नहीं होता है। अब मेरे को फिर मैं कन्फ्यूज हो गया कि मैं क्या करूँ। फिर इसने सेम शॉर्ट ऑफ लेंथ, फिर मैं सामने की तरफ मारने गया तो ये ज़्यादा बाउंस हो गया तो अंपायर ने वाइड दे दिया। लेकिन अब ये गेंद देखना, इसने लास्ट गेंद पे ये सिंगल भी दे सकता था, डबल भी, 3 भी 4 भी, लेकिन जो भी ये होता है ना देखना, ये वाइड पे 1 रन इसने दे दिया और फिर ये बाउंसर मारने जाता है, मैं पुल करता हूँ, फील्डर के हाथ में जाता है, कैच आउट होता हूँ, लेकिन तब तक मैं 2 रन भर चुका होता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये नो बॉल हो चुका है, एक वार्निंग अंपायर ने ऑलरेडी इसको दे चुका होता है। तो इस तरह से एक गेंद पे ना भाई ये 3 रन ऑलरेडी दे चुका होता है। अब ये नो बॉल होता है तो मेरे को मालूम है फ्री हिट है, मैं कहीं भी मारूं, कैच आउट हो जाऊं, कैसे भी हो जाऊं तो आउट तो मैं होऊंगा नहीं, सिंगल तो मैं ले सकता हूं अगर मैं कैच आउट हो तो। सेम जगह पे मैं मारने का ट्राई करता हूं गोल्ड शॉट, लेकिन होता क्या है यहां कैच आउट हो जाता हूं तो 1 रन ले लेता हूं, 48 रन पे मेरी इनिंग खत्म हो जाती है, 48 रन पे मेरी इनिंग खत्म हो जाती है। अब उसकी पारी आती है, वो ट्रेविस हेड और फिर लेविस को वो भी लेके आता है भाई, मैं क्रिस ओक्स को लेके जाता हूँ काफ़ी सोचने समझने के बाद और मैं भी वैसा ही स्टार्ट करता हूँ जैसा स्टार्ट उसने दिया था। हालांकि मेरे को इतना जल्दी बाउंड्री मिला नहीं था, हाँ शायद मेरे को भी तीसरी ही गेंद पे मिल गया होता है, तो इसका भी मैं ऐसे ही शुरू करता हूँ, पहला स्लोअर वन में डालता हूँ। ये कुछ अलग ही ट्राई करता है भाई कि एकदम पीछे से मार दे, सूर्य कुमार यादव स्टाइल 360 मारने का ट्राई करता है लेकिन होता नहीं है। और दूसरी गेंद मैं सोच समझ के बिल्कुल, क्योंकि मेरे को पता था ये स्लोअर है तो ये इस बार भी यही एक्सपेक्ट करेगा, तो फिर मैं थोड़ा कटर डालने का ट्राई करता हूँ और यहाँ ये फिर चोक कर जाता है। तो अब मेरे को आइडिया लग गया कि इसको पीछे मारने वाला इसने ना ये वाला शॉट इनेबल कर रखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग ट्राई करता हूँ इस बार स्ट्रेट रखने का। लेकिन सीन क्या होता है कि ये वाला शॉट ना इसका देखना अभी कनेक्ट हो जाता है, तो इस पे इसको 4 रन मिल जाता है, ये शॉट कनेक्ट हो जाता है। तो अब मैंने सोचा कि हाँ स्ट्रेट में को डालना ही नहीं है क्योंकि स्ट्रेट इसके रडार में आ जाएगा। कटर का क्या सीन होता है ना, कटर थोड़ा बाउंस कर जाता है वहाँ से, तो इसलिए उसको हिट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अभी फिर अपन आ जाते हैं अपने बेसिक पे, स्लोअर मारने का ट्राई करते हैं। तो हाँ ये स्लोअर रहता है लेकिन ये भी ज़्यादा बाउंस हो जाता है और कनेक्ट हो जाता है तो 4 रन निकल जाता है। वही पीछे की साइड मैंने फील्डर लगा नहीं रखे थे, मैं सोचता था कि सामने खेलेगा, लेकिन फिर मैंने देखा ना तो इसके सामने वाले ज़्यादा शॉट्स इनेबल नहीं है सामने, या फिर इधर ये वी में ज़्यादा खेलना ही नहीं चाहता है और लेग साइड में भी उतने कुछ खास इसके पास शॉट्स होते नहीं है, तो इस वजह से मैं ट्राई करता हूँ। तो ये मैं पूरा लेंथ ही बदल देता हूँ, मैं आगे की साइड रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसको भी भाई ये शॉट अपना खेल ही जाता है और 4 रन ही गाली लेता है इस पर। मैंने पहले ही 5 गेंदों में ना 12 रन दे चुके होते हैं, अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ भाई 5 गेंदों में 12 हो गए तो इस हिसाब से तो मैं कुछ ही टाइम में ये गेम ख़त्म कर देगा।
तो फिर मैं अपने वापस बेसिक पे आ जाता हूँ, जैसे ये पहली गेंद डॉट हुआ होता है तो मैं कटर मारने पे आ जाता हूँ, तो ये ऑफ कटर में डाला होता हूँ और फिर ये कनेक्ट कर नहीं पाता है, कोशिश करता है कनेक्शन लेने की लेकिन इसको कनेक्शन मिल नहीं पाता है। फिर अगला ओवर मैं काफ़ी सोच समझ के फिर मैं सोचता हूँ लाओ ग्लेन मैक्सवेल डाल दूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बॉलर रखा नहीं होता हूँ और यही मेरी गलती होती है कि मैं ज़्यादा बॉलर ही नहीं रखा होता हूँ इस मैच में। ज़्यादा क्या, मैंने एक ही बॉलर और क्रिस वोक्स था ऑलराउंडर सोच के मैंने ऑलराउंडर ही भरे होते हैं, मेरे को लगता है कि ज़्यादा बैट्समैन रखो ऐसा सोच के मैं मतलब इस पे जाता हूँ। तो पहला मैं टॉप स्पिन करा देता हूँ पहली गेंद, ग्लेन मैक्सवेल के साथ बिना सीन ये होता है कि ज़्यादा कुछ डिलीवरीज है नहीं ऐसा इनेबल, तो टॉप स्पिन होता है, टॉप स्पिन करा लेता हूँ, ऑम बॉल होता है और इसके बाद शायद एक लेग स्पिन होता है, एक गुगली होता है, तो मैं फील्ड थोड़ा चेंज करता हूँ, मेरे को मालूम है कि अभी वो शॉट खेलेगा उधर साइड, तो इसलिए मैं फील्ड थोड़ा चेंज करके अभी मैं जाना चाहूँगा ऑम बॉल पे, तो मैं ऑम बॉल करता हूँ उसको और ये आम बॉल भी ऐसा कुछ खास ये कनेक्शन ले नहीं पाता है, तो इसको भाई लग जाती है, दो की दो गेंदें इसको लग जाती है, ज़्यादा ये कनेक्शन ले नहीं पाता है। तीसरी गेंदें मैं फिर सेम उसी जगह रखता हूँ और फिर मैं दूसरा डालने की कोशिश करता हूँ, इस बार कहता हूँ मैं दूसरा डालूंगा, लेकिन यहाँ क्या होता है ना, ये देखना ये मज़ेदार होता है, ये मैंने दूसरा डाला, ये फिर हिट करता है लेकिन इसको पता नहीं क्यों कनेक्शन नहीं मिलता है, मेरे को लगता है ये पहचान लेगा, क्योंकि दो तो मैंने आम और ये डाला तो उसका सेम ही आइकन जाता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन दूसरे का मेरे को आइडिया रहता है ये पकड़ लेगा, लेकिन ये भाई दूसरा भी पकड़ नहीं पाता है, तो इस वजह से मैं सोचा कि ये तो वैसा ही है, तो इसलिए मैंने ऑफ स्पिन डाल दिया, यहाँ पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ मैंने एकदम सही टाइम पे वो प्रेस किया होता है, फिर भी भाई पता नहीं क्यों ये कैच छूट जाता है और ये तीन रन ले लेता है, ये समझ नहीं आता है मेरे को गेम का ग्लीच है या क्या सीन है या मैं ज़्यादा लेट हो गया होता हूँ प्रेस करने में, लेकिन मेरे को तो अपने हिसाब से मैंने सही टाइम पे प्रेस किया था, तो ऐसे करके ये तीन रन भर लेता है। फिर अगले गेंद मैं टॉप स्पिन कराता हूँ, मैं फिर अपने बेसिक पे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ टॉप स्पिन पे ये डॉट हो रहा है, लाओ टॉप स्पिन कराते, फिर से मैं टॉप स्पिन कराता हूँ और फिर ये भाई लेग साइड में खेलने के चक्कर में डॉट हो जाता है। फिर अगली गेंद अब मेरे को आइडिया लग जाता है कि हाँ ये टॉप स्पिन, इसके पास ज़्यादा कुछ शॉट्स है नहीं स्पिनर के लिए, तो मैं टॉप स्पिन और आम बॉल पर ही रहता हूँ, तो फिर से मैं आम बॉल कराता हूँ और फिर ये हिट करने की कोशिश करता है, फिर इसका कनेक्शन नहीं मिलता है, तो इस तरह से मैं ये ओवर बहुत अच्छा निकाल लेता हूँ। फिर चौथा ओवर, तीसरा ओवर सॉरी, मैं डिवाइल ब्रेविस को लेके आता हूँ और ब्रेविस के लिए मैं फील्ड थोड़ा सेट करता हूँ और डिफेंड में फील्ड लगाता हूँ, डिफेंड में छठवां वाला लगाता हूँ, लेकिन यहाँ सीन क्या होता है ना, बहुत ज़बरदस्त होता है देखना, यहाँ पहला मैं टॉप स्पिन कराता हूँ और इसके लिए ये खेलता कैसे ये देखना आप, ये रूम बनाता है थोड़ा और कवर पे ये खेल दिया होता है, ये कनेक्शन ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाता है, तो जैसा भी होता है लेकिन दो रन हो जाता है, तो ऐसे मैं सोचता हूँ कि अगर ये दो दो करके भी लेगा ना तो भी ये 12 रन ले लेगा, तो थोड़ा सा फील्ड में चेंज करने की कोशिश करता हूँ और वहाँ थोड़ा सा मैं फील्डर डालने की कोशिश करता हूँ कि हाँ उस एरिया में थोड़ा सा फील्डर है, कैच वैच ऐसे ही मिसटाइम करे, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो जाती है और यहाँ फिर मैं टॉप स्पिन कराता हूँ और मेरे को मालूम नहीं होता है कि इसने सामने के लिए शॉट्स इनेबल कर रखे हैं, तो ये कोशिश करता है, पहला कनेक्शन नहीं मिलता है, मेरे को लगा ठीक है ये ऐसे ही मारेगा, इसको कनेक्शन मिलेगा नहीं, लेकिन ये सोचना ना मुझे ओवर कॉन्फिडेंस बहुत महंगा पड़ जाता है, और फिर ये अगली ये देखना क्या सामने मारेगा भाई उठा के, ये मारा सामने 4 रन, लेकिन कनेक्शन इतना भी कुछ खास नहीं होता है इसलिए इसको 4 रन नहीं मिलता है, अगर वहाँ मैंने फील्डर लगा रखे होते ना बहुत पहले लगा देना चाहिए, जो कि मैं इतना लेट लगाता हूँ अभी आप देखना, यहाँ से इसको 4 रन मिल जाता है। फिर अगली गेंद फिर मैं ट्राई करता हूँ, मैं कहता हूँ लो ये तो हो सकता है तुक्का लग गया, तो इसलिए मैं गुगली डाल देता हूँ, ये देखता हूँ ये यहाँ मारता है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो सीन और उल्टा हो जाता है और फिर भाई ये भाई गुगली पे भी इसको कनेक्शन मिल जाता है और ये फिर सामने 4 रन मार देते हैं, तो अब तो मेरे को आइडिया लग गया होता है कि ये तुक्का नहीं मार रहा है, मतलब इसका शॉट कनेक्ट हो रहा है सामने के लिए, लेकिन फिर भी भाई मैं क्या सीन होता है ना, आदत से मजबूर होता हूँ, लेकिन फिर मैं ला के इधर चौथे फील्डर को इधर ला के लगा देता हूँ और फिर मैं ट्राई करता हूँ, मैं कहता हूँ लाओ टॉप स्पिन कराते हैं, ये देखते हैं ये कैसे कनेक्शन लेता है, लेकिन यहाँ ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाता है और ये भाई ये कनेक्शन ले ही नहीं पाता है। फिर ये पाँचवीं गेंद इधर ऑफ साइड में मारने की कोशिश करता है और कनेक्ट नहीं होता है। फिर छठवीं गेंद ये जब मारने जाता है ना, छठवीं भी सेम मैं टॉप स्पिन कराता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये देखो ये किधर मारेगा, छठवीं गेंद भी ये सेम कनेक्शन लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ क्या सीन होता है ये देखना, ये मैच टर्निंग होता है, यहाँ से जो डायरेक्ट हिट पड़ती है ना भाई इसको, ये मैच पूरा पलट देता है, क्योंकि ट्रेविस हेड अच्छा कनेक्शन ले रहा था भाई, अच्छी टाइमिंग थी ट्रेविस हेड की, लेकिन ट्रेविस हेड को जो भाई रनआउट होता है ना, सॉरी लिविस रनआउट होता है, लिविस 8 में 12 बना चुका होता है, अच्छा कनेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि मेरी भी टीम में था ना तो मेरे को मालूम है उसका टाइमिंग बहुत अच्छी थी, तो वैसे ये रनआउट होता है ना जो मज़ा आ जाता है। उसके बाद से चौथा ओवर फिर मैं लेके आता हूँ सैम विलियमसन को और ये मैच ना, ये ओवर बहुत ही शानदार निकालता है, क्योंकि बहुत कम रन चाहिए होते हैं, 22 रन समथिंग चाहिए होते हैं दो ओवर में, तो ये वीडियो गेम है भाई, 22 रन तो आराम से इजी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पहली ये जो मैं डाल के गुगली डालता हूँ ना बाहर निकल जाता है, तो अभी मेरे को आइडिया लगता है कि हाँ ये थोड़ा दिमाग लगा सकता है
लेकिन एक और लाओ कैरम डालो, ये ट्राई करते हैं कि ये कैसा, ये कनेक्शन लेने की कोशिश करता है नहीं करता है। लेकिन यहाँ इसको कनेक्शन मिल जाता है कैरम पे और भाई 6 रन हो जाते हैं। फिर मैं क्या दिमाग थोड़ा लगाता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे कैरम अगर डालता रहूँगा ना तो ये भाई छक्के मारता रहेगा और एक दो और लग गया ना तो मैच खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्या सीन करता हूँ, मैं इधर लाता हूँ एकदम शॉर्ट ऑफ लेंथ और फिर मैं दूसरा डालता हूँ। मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा दूसरे का क्या सीन होता है ना, थोड़ा मेरे को स्लो जाता है दूसरा, ये दूसरा थोड़ा स्लो जाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है, ये कनेक्शन लेने का ट्राई करता है लेकिन हो नहीं पाता है, रेंज में इसके नहीं आता है। अब फिर वही लेंथ में पकड़ता हूँ और फिर मैं आम बाल डालता हूँ और थोड़ी स्पीड में डालने की कोशिश करता हूँ और इस पर भी ये कनेक्शन लेने का ट्राई करता है लेकिन नहीं होता है क्योंकि ये सीधा भाई निकल जाता है साइड से और ये दूसरी साइड ही मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ इस ओवर में ना ये थोड़ा पैनिक हो सकता है कि ये थोड़ा पैनिक हो जाता है और इसलिए ये गेंदें जज नहीं कर पाता। यहाँ फिर मैं दूसरा डालता हूँ, मैं कहता हूँ अभी ये थोड़ा सा पैनिक होता है, मैं दूसरा डालता हूँ, दूसरा पे इसको इतना अच्छा कनेक्शन नहीं मिलता है और इस बार फाइनली भाई कैच हो जाता है। मेरे को लगता है ये कैच भी टपक ही जाएगा क्योंकि मैं भी थोड़ा पैनिक ही रहता हूँ, मैं कहता हूँ कैच टपक गया लगता है ऐसा, लेकिन नहीं टपकता है। और अब मिचेल मार्श आ जाता है, मिचेल मार्श की भी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है, मेरे को मालूम है कि अगर रडार में पड़ गई ना तो ये मार देता है भाई। अगर इसको टाइमिंग, इसकी टाइमिंग अच्छी है, अगर पड़ गई बल्ले पे तो निकल जाती है, ज़्यादातर गेंदें निकल जाती है, तो इसलिए मैं ऑफ स्पिन कराता हूँ, थोड़ा सा बाउंस होगा ऑफ स्पिन और यही होता है, बाउंस नहीं होता है, यही नहीं होता है भाई, बाउंस होता ही नहीं है, पैर पे लगता है, खैर 1 रन हो जाता है। और अब मेरे को थोड़ा सा यकीन हो जाता है कि हाँ मतलब 13 रन समथिंग बनाने होते हैं, 34 बन चुके हैं ना, जो भी 14-15 रन बनाने होते हैं जीत के लिए, अभी मैं देखा नहीं हूँ रन कितने होते हैं अपने, हाँ 33 होते हैं, तो 16 रन समथिंग बनाने होते हैं इसमें। तो अभी क्या होता है, सीन होता है कि मैं फ्लिपर करता हूँ और अभी तक मैंने पूरे मैच में ना फ्लिपर किया नहीं होता है, तो इसको आइडिया लगता नहीं है कि फ्लिपर आएगा किधर, और ये फ्लिपर सीधा पैर पे आके लगता है और इस वजह से ये चोक कर जाता है भाई, मेरे से ज़्यादा ये चोक कर रहा होता है फाइनल ओवर में। तो दूसरी गेंद फिर क्या सीन होता है, मैं कहता हूँ अब मैं फ्लिपर नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे को पता होता है वो लेग साइड में घुमा देगा अगर मैं फ्लिपर डालूंगा, तो इसलिए मैं थोड़ा लेग स्पिन कराता हूँ और ये लेग स्पिन बाउंस हो जाती है जिसकी वजह से इसको इतना अच्छा कनेक्शन नहीं मिलता। और यहाँ मैं क्या गलती करता हूँ, यहाँ मैं फिर डायरेक्ट हिट मारने के चक्कर में 4 रन दे देता हूँ, जहाँ 1 रन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रन होना चाहिए, वहाँ मैं ज़बरदस्ती का 2 रन और एक्स्ट्रा उसको मुक्त का देता हूँ। फिर मैं बाहर लाता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ सेटअप करता हूँ क्योंकि मेरे को पता होता है अगर इसको करना है ना तो थोड़ा फंसाना पड़ेगा, तो इसलिए ये गेंद ना मैं ड्रिप्टर डाल देता हूँ कि हाँ ड्रिप्टर, इसको कनेक्शन यहाँ से ड्रिप्टर से मिल जाएगी, लेकिन मेरे को इतना यकीन रहता है कि उधर फील्डर है, ये ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर नहीं पा रहा है, तो 2 रन मिलेगा। और इस बार मैं कोई भी थोड़ा भी पैनिक नहीं होता हूँ, थोड़ा आराम से मैं कलेक्ट करता हूँ बॉल को और बॉल को इधर थ्रो करता हूँ, तो 2 रन इसको मिलता है। लेकिन ये गेंद मेरे को पता होता है कि ये गेंद पे ना इसको डॉट कराना है, तब जाके थोड़ा सा चांसेस बनेंगे क्योंकि 3 में अपने को ज़्यादा नहीं मारने होते हैं, तो इसलिए ये गेंद डॉट कराना हर हाल में वो होता है, तो इसलिए मैं टॉप स्पिन डाल के उसको करता हूँ, तो बाउंस होता है और वो डॉट कर जाता है। अब 2 गेंदें बची हैं, 2 गेंदों में 11 रन समथिंग बनाने हैं, 12 रन समथिंग बनाने हैं, 10 रन समथिंग बनाने हैं, 10 रन। तो यहाँ मैं ड्रिप्टर डालता हूँ और फिर ये मारने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रिप्टर नहीं, सॉरी फ्लिपर, और फ्लिपर नीचे ही रहती है तो ये फ़ायदा मिलता है, 1 रन मिलता है। अब मेरे को कन्फर्म हो जाता है कि ठीक है यार ऐसे अब तो जीत गया, अब आखिरी गेंद होती है तो आखिरी गेंद ऐसे फेंक के मैं उसको दे देता हूँ, वो 4 रन मार लेता है। लेकिन आखिरी गेंद पे ना जो उस टाइम उसने 4 या 5 रन दिए होते हैं, अगर वो इसने नोबॉल नहीं दिया होता तो इसके एक्स्ट्रा 3-4 रन बच जाते जिसकी वजह से ये मैच फंस जाता है, तो 1-1 रन की क्रिकेट में कीमत होती है। खैर ये वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप कि अच्छी लगी हो, वॉइस ओवर जैसा भी हो भाई थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, थोड़ा देख लेना और लाइक करते हैं 100 एम का एम करते हैं 100 लाइक का, कुछ भी मैं बकवास कर रहा हूँ, एम करते हैं 100 लाइक का, तो भाई थोड़ा लाइक कर देना। ये एक ही टाइम मैंने पूरा वॉइस ओवर दे डाला है, बीच बीच में रोका भी नहीं है, एक ही शॉट में पूरा भाई मैंने लगा डाला है, तो खैर एम करते हैं 100 लाइक का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना भाई।